हाँ स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे और उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ही अच्छे होंगे, क्योंकि घर में रह रहे हैं ना। घर में रहेंगे एकदम सुरक्षित रहेंगे, एकदम सुरक्षित रहेंगे। आज हम लोग पार्ट अगला पढ़ते हैं, और पार्ट अगले में हम पढ़ने क्या वाले हैं, पार्ट टेन। और पार्ट टेन में मैं आज आपको दे रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर से हम लोग गुजरते हैं, स्ट्रक्चर से गुजरूं उस एग्जांपल से गुजरते हैं। एग्जांपल क्या है? द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट देयर, टीचर एंड ए स्टूडेंट देयर। द टीचर एंड सॉरी राइटर एंड टीचर देयर, द राइटर एंड द टीचर देयर। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। आप सारे एग्जाम्पलों में काम करना, इन सभी में आपको इज आर, इज आर और इज आर यही फील करने हैं। इसमें भी आपको इज और आर ही फील करने हैं। मुझे लगता है जितनी जानकारी आपके पास है उस जानकारी के अकॉर्डिंग आप इसमें जो है, क्योंकि दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट इधर है, एक सब्जेक्ट इधर है, आप क्या करोगे? तो इसको लेके हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बनाते हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चर अगर इस तरह बनाए कि एक सब्जेक्ट हो और वह एक एंड से दोनों सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट हो और दोनों जो है किससे गिरा हुआ हो, एंड से गिरा हुआ हो, तो यहाँ जो वर्ब होंगे वो वर्ब जब होंगे तो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, वो वर्ब क्या होंगे, प्लूरल होंगे। मैंने दूसरा स्ट्रक्चर दिया, अगर सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट के पहले द लगा हो, द को आप न कहोगे, आर्टिकल बोल सकते हो, आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या, आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट और सॉरी एंड, तब फिर आर्टिकल फिर क्या, सब्जेक्ट वर्ब क्या, तो वर्ब क्या होगा ये देखना है, वर्ब फिर क्या हो रहा है उसको देखना है। वर्ब टेका, टेका मतलब प्लूरल। फिर देखते हैं, अगर आपका आर्टिकल हो और क्या हो, सब्जेक्ट भी हो एंड भी हो और यहां फिर जो है सब्जेक्ट दे, तो आने वाले वर्ब या वर्ब क्या होंगे, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल, इस सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल नहीं। तो अब आपको देखना है यहां पर वर्ब का पोजीशन क्या होना चाहिए। अब आपको यही चीज समझना है, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी किया था कि, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर दो सब्जेक्ट किसी एंड से जुड़ते हो तो कमिंग वर्ब जो है वो प्लूरल ही आते हैं, तो उसका तो मैंने पिछले वाले वीडियो में दे दिया था। अब आप इस वीडियो पर ध्यान देंगे, इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, जैसा कि मैंने तीन स्ट्रक्चर लिया और तीन स्ट्रक्चर के नाम पे मैंने चार एग्जांपल भी आपको कर रखे हैं,
तो पहला जो एग्जाम्पल बन रहा है, इधर आर्टिकल और इधर भी आर्टिकल, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। अब आप इस तरह का स्ट्रक्चर वाला, इस तरह के एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर आप ढूंढ लो, तो आपका स्ट्रक्चर ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट हो और फिर सब्जेक्ट हो और दोनों के दोनों ही सब्जेक्ट एक एक आर्टिकल को रखते हो, यानी वो आर्टिकल के साथ हो, तो वर्ब कौन सा लगेगा? वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल की सिंगुलर, प्लूरल लगेगा ना। तो आपको प्लूरल करने हैं। अब बोलो आप इसको क्या करोगे? यहां इच की, यहां आर, आर किया। अब देखना दूसरा, मैंने लिखा टीचर एंड स्टूडेंट। ये तो पहले वाले क्लास में मैंने किया था कि अगर दो सब्जेक्ट एक इधर किससे जुड़े? एंड से जुड़े, तो आने वाले वर्ब भी क्या होते हैं? प्लूरल ही होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप इज और आर में से किसको आप चूज करेंगे? आर को ही चूज किया। अब आप तीसरा देखेंगे, मैंने कहा द टी राइटर, यहां राइटर है और राइटर के पहले क्या है? आर्टिकल है, और ये एंड से जुड़ा, और यहां टीचर है और टीचर के पहले ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे ना? यही समझना है, और यही सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है, और ये एग्रीमेंट अगर आपने क्लियर नहीं किया तो आपको समझाने वाला भी कोई नहीं होगा। अब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाइए और उस फैक्ट को ढूंढिए कि वो कॉन्सेप्ट का फैक्ट है कहां। तो आपने वो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाला कि एक नाउन, ये एक सब्जेक्ट यहां है, दूसरा सब्जेक्ट यहां है, और एक सब्जेक्ट ने आर्टिकल को रखा, दूसरे सब्जेक्ट ने आर्टिकल को नहीं रखा। अब सोचना जरा, यही तो सोचना है। इसका मतलब हो रहा है कि जो पहला सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट दूसरा भी हो रहा है। इसमें दो आदमी की चर्चा नहीं हो रही है, इसमें आदमी की चर्चा एक हो रही है, इसमें पर्सन एक ही हो रहा है। इसलिए यह साबित भी करता है कि यहां दो सब्जेक्ट इक्वल टू एक, इसलिए एक के साथ आर्टिकल और दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं है। आपको समझना है तो सिंपल वे में आप समझ जाओ कि अगर सब्जेक्ट हो, यहां भी सब्जेक्ट हो, यानी दोनों सब्जेक्ट किसी किससे जुड़े? एंड से जुड़े, और एक के साथ आर्टिकल आए, दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं आए, वैसे केस में यहां वर्ब का कौन सा लगाया जाता है? सिंगुलर लगाया जाता है। यही वर्ब का एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के साथ, यही समझना है। तो बोलो आप यहां क्या करोगे? क्या इज लिखोगे कि नहीं? सॉरी, इसमें इज लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यहां राइटर के पहले द, टीचर के पहले कुछ नहीं हुआ, यहां इज हो जाएंगे। अब आप नीचे वाले कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दो, यहां भी द और यहां भी द, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है? तो इसको आप बैठो नहीं, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर मैं अगली बार में इसको अगला चीज मैं लिखूंगा, तब तक आप लोग लिखो। देख रहे हैं, इच, एवरी, नो, ये तीनों के तीनों को देखो। अगर ये तीनों में से कोई भी एक किसी सेंटेंस में दिख जाए, भैया कैसे दिखेंगे? देखते हैं, एक एग्जांपल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, चलो देखते हैं। हमने कहा इच बुआ एंड इच गर्ल हियर, एवरी डे एंड एवरी नाइट नॉट सेम, नॉट सेम, नो बुआ एंड नो गर्ल इज रेडिंग देयर। अब आप देखो, तीन तरह का मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब ये कहता क्या है? अगर मैं यूं कहूं कि आप इसमें क्या करो, इज और आर, इज और आर,
इज आर, इसमें से ही आपको क्लिक करने हैं। तो आप क्या करोगे, अब तो भाई कॉन्सेप्ट तो मैंने दिया नहीं, तो आप तो तुक्का लगाओगे ना, और तुक्का लगाने के लिए तो मैं नहीं बुलाया हूँ आपको, एकदम परफेक्ट देखना है, और परफेक्ट के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपका ईच एवरी नो अगर आपको दिखाई दे, तो इसका मतलब आपको क्या लगाना है, वर्ब का क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है, यानी आपको इच बुआ एंड इच गर्ल बोलो क्या होगा, एज होगा। बोलो एवरी डेन एवरी नाइट बोलो क्या होगा, एज होगा। नो बुआ एंड नो गर्ल बोलो क्या होगा, एज होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, उम्मीद करते हैं क्लियर होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि अगर पार्सल वर्ड मिले आपको, पार्सल वर्ड और पेयर वर्ड, और इसको पेयर वर्ड भी बोल दो आप, ये अगर भी मिलता है आपको, ठीक है, तो इनके साथ भी आपको क्या करने हैं, वर्ब के कौन से पोजीशन रखेंगे, सिंगुलर ही रखना। जैसे आप क्या करो, मैंने कहा हॉर्स एंड कैरिज, हॉर्स एंड कैरिज एट द डोर। दूसरा मैंने कहा ब्रेड एंड बटर माई फुड। तीसरा मैंने कहा स्लो एंड एस्टीडी द रेश। अब आप देखो जरा, मैंने कहा पार्सल वर्ड या पेयर वर्ड ये अभिन्न अंग होते हैं, ये कभी अकेला नहीं चलते हैं। अकेला का मतलब कि आप चाहो तो एक को अलग कर लो, ऐसा कर लोगे तो नहीं हो पाएगा। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आप पार्ट एंड पार्सल की चर्चा आप करते हो, तो पार्ट एंड पार्सल के लिए होता क्या है कि आप जो है उस चीजों को अलग अलग कर लेते हो, लेकिन उसको जब लेना होता है तो एक साथ लेते हो। जैसे मैंने ब्रेड का बटर के साथ बताया, मैंने चावल और दाल को बताया, राइस एंड करी, मैंने कहा राइस एंड करी माय फूड। अब मैं बोलूं राइस और करी, अगर चावल और करी अगर खाने के लिए दिया जाए, भाई मैं तो जानता हूं ये खास करके बिहार वालों के लिए हम लोग की अपनी पहचान है कि ये खाना जो है हम लोग का फेवरेट खाना होता है। और आप बताओ अगर आप लोग नहीं जानते हो तो इसको भी खाना सीखना है, अगर आपके रूटीन में हो तो, हम लोग के रूटीन में तो कभी कभार मिल ही जाते हैं। जैसे चावल और दाल को खाना है, तो अगर चावल लिया तो चावल के साथ दाल को लेना है, ऐसा नहीं है कि चावल पहले खा लिया बाद में दाल पी के और उसको पेट को मिला लिया तो हमारे साथ वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, दोनों को एक साथ मिक्स करके खाते हैं, और दोनों जो है एक बार ही बोला जाता है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड को भी खाना होता है तो ब्रेड को एक बार खा लिया बाद में बटर पी लिया, ऐसा भी नहीं होगा, ब्रेड के ऊपर बटर लगा के हम लोग करते हैं। वही चीज़ है हॉर्स एंड कैरिज, यहाँ दिखने के लिए एंड से घिरा हुआ है, आप हॉर्स एंड कैरिज को देखो, घोड़ा और गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी को एक साथ बोलते हैं ना, तांगे तांगा बोलते हैं इसको, तांगा बोलते हैं घोड़ा और गाड़ी, इसको तांगा बोलते हैं। तो बोलो इन सभी के साथ आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे कि नहीं लगाओगे, इज ही चलेगा ना, क्यों, क्योंकि ये पार्सल वर्ड है, पेयर वर्ड है, पार्ट एंड पार्सल है, पैंट शर्ट इज माई ड्रेस, तो ये सब अलग अलग होते हैं, लेकिन एक्चुअली इनका यूज जो है एक साथ एक कॉम्बिनेशन में ही होता है, जिनको हम लोग पार्ट एंड पार्सल बोलते हैं, पेयर वर्ड बोलते हैं, और ये पेयर वर्ड जब भी होते हैं तो इनके साथ हम लोग वर्ब का क्या लगाते हैं, सिंगुलर ही लगाते हैं। तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो कि हाँ इसको अगर लैंग्वेज में बनाना है तो पार्ट एंड पार्सल वर्ड इज यूज इन द सेंस ऑफ ओनली सिंगुलर नंबर, ओनली द सिंगुलर नंबर, इसको आप लिख सकते हैं, बैठा नहीं है, नोट जल्दी जल्दी करना है, नोट डाउन करते रहिए आप, फिर हम लोग आप नोट डाउन करो फिर मैं तैयार।